हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको एमके प्रोडक्ट्स आईपीओ का अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा और कहां देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ तो क्या जीएमपी चल रहा है और इसके अनुसार आपको मिलने वाला जो प्रॉफिट है कितना देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इन सारी जानकारियों के साथ आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें एमके प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे जानने से पहले कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा इसका जो आईपीओ मार्केट में आपको देख सकते हैं दोस्तों कि आपको 30 अप्रैल से शुरू होकर इसके जो आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा, आपको 3 मई के दिन होता हुआ दिखा होगा। और दोस्तों, इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट रखा गया है दोस्तों आपको 6 मई दिन होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों, यदि आपको कितने आपको देखने को मिलेगा इसका जो अलॉटमेंट का जो 6 तक डेट तो रखा गया है, लेकिन इससे पहले आपको डेबिट और आपको क्रेडिट का मैसेज आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, यदि बात करें इससे आपको रिफंड के रिगार्डिंग, यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको जो पैसे हैं आपको 7 मई के दिन आपको रिफंड आता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, यदि आप इस प्रोसेस में आपको लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आपको 7 मई के दिन आपको जो शेयर आपको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसका जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो भी आपको 8 मई के दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये तो आपका सारा इंपॉर्टेंट डेट्स होगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसलिए मैंने आपको ये डेट आपको बताया है और इसे आप अपने ध्यान में भी रखिएगा। अब दोस्तों, आपको ये बता दें, मार्केट में आपको कोई भी आईपीओ आता है उसका कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है। जैसे दोस्तों, मार्केट में आपको 2 रजिस्ट्रार फेमस है, जैसे आपका लिंक इन टाइम हो गया और आपका केफिन टेक हो गया। और दोस्तों, इस आईपीओ के जो आपका रजिस्ट्रार रहने वाला है वो आपको देख सकते हैं कि आपको बिग शेयर सर्विसेज लिमिटेड देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपका रजिस्ट्रार के रिगार्डिंग भी हो गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस वक्त यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको कितने बंदों में से कितने बंदों को आपको अलॉटमेंट का जो चांसेस है देखने को मिलेगा और इसका क्या सब्सक्रिप्शन डाटा निकल के आ रहा है उस पर भी एक बार नजर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसे आपको यह भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको लौटने का चांसेस क्या देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इसके वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपको सारा प्रोसेस आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों, बात करें इसके सब्सक्रिप्शन डाटा के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने में लिखे सब्सक्रिप्शन डाटा काफी आपको शानदार नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आईपीओ आपका ओवरऑल आपका 748 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, बात इसमें आपको कैटेगरी वाइज सब्सक्रिप्शन डाटा की, तो आपको देखने को मिला कि आपको जो बड़े प्लेयर हैं काफ़ी उनका सब्सक्रिप्शन डाटा शानदार निकल के आया है। आपको देखने को मिला कि वाईबी ने इस आईपीओ को देख सकते हैं कि 173 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनके तरफ से देख सकते हैं कि 413 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, बात रहे कि HNI ने इस आईपीओ को 980 टाइम सब्सक्राइब किया है और देख सकते हैं कि इनकी तरफ से 1770 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है, जो कि आंकड़ा आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका एक SME IP है और यदि आपको SME IP में इतनी सब्सक्रिप्शन देखने को मिले तो आपके बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को बोल सकते हैं। अब दोस्तों, बात रही इसमें आपको रिटेल की, तो रिटेल भी इस आईपीओ का पीछे नहीं और इनकी तरफ से आपको 973 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और बात करके आपको पैसा लगने की, तो आप देख सकते हैं कि इनके तरफ से आपका आईपीओ में पैसा 4078 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला रिटेल भी इस आईपीओ में आपका पीछे नहीं और इनके तरफ से काफ़ी शानदार आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन डाटा। अब दोस्तों, बात करें कि इसमें आपको कितने बंदों में से आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है यदि आपने इसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया है तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि अराउंड मान के चलिए कि आपको 970 बंदों में से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि इसमें अलॉटमेंट का जो आपको काफ़ी भिड़ंत काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसमें अलॉटमेंट का चांसेस है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपको जो इसमें जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो क्या आपका इसमें ये अलॉटमेंट के चांसेस और आपको कितने बंदों से कितने बंदों को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों, बात करके यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो उसे क्या जीएमपी चल रहा है, तो चलिए इसके जीएमपी पर नजर डालते हैं और देखते हैं आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करें एमके प्रोडक्ट आईपीओ के जीएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जीएमपी आपको 64 रुपीज़ से ट्रेड करते हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो ऑफर प्राइस बैंड आपको 55 रुपीज़ का है, दोनों को ऐड करने के बाद 119 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो आपको शानदार 116 से 117% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, जब इसके जीएमपी के हिस्ट्री पर नजर डाले तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले इसका जीएमपी 0 पर ट्रेड करते हुआ दिख रहा था, फिर 0 पर देखते हैं आपको 25 रुपये का इसने हाई लगाया, फिर 25 के बाद 45, फिर 45 का देख सकते हैं कि दोस्तों आपका 55 और करंटली आप देख सकते हैं कि आपको 64 रुपीज़ का इसने हाई लगाया है और अपने हाई पे ट्रेड करते हुआ दिख रहा है और इसके जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो गया इसका जीएमपी और जीएमपी के अनुसार आपको मिलने वाला प्रॉफिट। अब दोस्तों, बात करें कि यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो उसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, मार्केट में कोई भी आपका आईपीओ आता है कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है और जैसे मैं आपको इसका रजिस्ट्रार का नाम बता चुका हूं, इसका रजिस्ट्रार का नाम आपका है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो आप इसके
रजिस्ट्रार के साइट पर जाके, और दूसरा तो आपको बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो में लेकर चलते हैं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ चेक करके दिखाते हैं कि आप अलॉटमेंट का जो स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। फिर आपको जो इसका रजिस्ट्रार का साइट है उसके रजिस्ट्रार के साइट पर लेकर चलेंगे। और दोस्तों दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जैसे आपको थोड़ा सा बिलबुलपन देखने को मिला हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको इसमें लेके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ ना आपको दो ऑप्शन शो कर रहा होगा, एक आपका इक्विटी और दूसरा आपको डेब्ट। तो दोस्तों आपको इसमें इक्विटी भी सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इक्विटी भी सिलेक्ट करने का पेज आपके सामने रिफ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आप इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा इसमें आ रहा है कि आपका एमके प्रोडक्ट्स आईपी का इसमें नाम आ रहा है। तो दोस्तों इसमें करने के बाद आपको पेज आपके सामने फिर एक बार रिफ्रेश होकर आएगा। इसके बाद आपके इसके सामने दो ऑप्शन शो कर रहा होगा, एक आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया और दूसरा आपको पैन कार्ड नंबर हो गया। तो दोस्तों आपको इसमें इस सबसे अच्छा क्या है कि आप इसमें पैन कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो पैन कार्ड नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड नंबर दोस्तों कितने बंदों को तो याद भी रहता है और कितने बंदों के पास इजिली आपका अवेलेबल भी रहता है। और दोस्तों पर्सनली मैं आपको पैन कार्ड नंबर भी आपको मैं भी आपको प्रीफर करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या करना है कि आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि इसमें सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाए कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और यदि दोस्तों आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमें प्रसन्नता होती है कि आपको कुछ बेनिफिट और आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका जो रजिस्ट्रार का ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर चलते हैं और आपको चेक करके इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डाटा को आपको बताते हैं। और दोस्तों अभी तक यदि आपको इससे थोड़ा भी कुछ ब्लू पॉइंट देखने को मिल रहा है, जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिग शेयर सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको इसमें लेके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ ने बताया कि इसमें अलग अलग ऑप्शन शो कर रहा है, देख सकते हैं सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तो दोस्तों आप किसी भी एक तरीके से अपने जो अलॉटमेंट का स्टेटस है वहाँ जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सर्वर 1 पर क्लिक किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्वर 1 पर क्लिक करते हैं पेज आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें अलग अलग तरीके से अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। पहला जब आपको तरीका आपको देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर हो गया, इसी पे अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप दूसरा हो गया वो आपका बेनिफिशियरी आईडी हो गया। और दोस्तों आपको बेनिफिशियरी आईडी में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आप देख सकते हैं कि आपको NSDL और आपका CDSL कि आपका अकाउंट किस में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपको जो आपको तीसरा इसमें डाटा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड नंबर हो गया जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आपको पैन कार्ड नंबर इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड नंबर का आपको मैं पर्सनली आपको प्रीफर करता हूँ और इसे आपको मैं आपका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है खुद भी चेक करता हूँ। और दोस्तों कितने बंदों की आपको तो आपको याद भी रहता है आपको पैन कार्ड नंबर, और कितने को तो आपको इजीली अवेलेबल भी देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद उसमें क्या करना है, उसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देखते हैं कंपनी का नाम मैंने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अभी इसमें कंपनी का नाम इसमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें आता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी इसमें कंपनी का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए मैं कोई भी एक नाम को सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों जैसे इसमें कंपनी का नाम आ जाएगा आपको इसमें इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें क्या करेगा, इसमें आपको उसमें कैप्चा कोड को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें आपको सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह इन इजी स्टेप को फॉलो करके आप अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो आप उसमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमें प्रसन्नता होती है कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है और आपको कुछ बेनिफिट भी देखने को हो रहा है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।